अच्छा जी, वापस आ गए हैं ब्रेक से। ज़रा मुझे एक्नॉलेज कर दें कि स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है। अच्छा, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं आज की लैब में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमने DUP ऑपरेटर यानी डुप्लीकेट किस तरीके से क्रिएट करते हैं DUP ऑपरेटर के थ्रू, और किस तरीके से अनइनिशियलाइज्ड और इनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ को डुप्लीकेट कराया जा सकता है। बाकी एरेज़ का थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट एरेज़ का थोड़ा सा स्टार्टिंग ली है। एरेज़ को इन एडवांस जो है वो हम लैब नंबर 7 के अंदर भी डिस्कस कर रहे होंगे। ये अच्छा, अब आपकी जो लैब टास्क हैं उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, वो पहले हम परफॉर्म कर लेते हैं, वो आप लोग देख लें ध्यान से, ताकि वो करने में भी आसानी हो। ठीक है, एक ऐसी एग्जांपल कर लेते हैं। एरेज अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, अब अगर तो हमें ऐसा करना हो, ऐसा टास्क परफॉर्म करना हो जिसके अंदर हमें यूजर से सपोज इनपुट लेने हैं, वैल्यूज़ 5 इनपुट लेने हैं, उसको एक एरे के अंदर स्टोर्ड करना है और उस एरे को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर भी हमें शो करवाना है। उस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सपोज यूज़र से हमने 5 वैल्यूज़ ली, तो हर एक एक वैल्यू, पहली वैल्यू आएगी वो एरे के 0 इंडेक्स पर, दूसरी आएगी 1 इंडेक्स पे, तीसरी 3rd इंडेक्स पे, चौथी 4th इंडेक्स पे। ठीक है, तो वो तमाम वैल्यूज़ जो है हमारे पास सेव हो जाए। तो ये काम हमें किस तरह करना है भाई, अगर आप एरे हमारे पास है, ठीक है, एरे का ये आ गया भाई 0 इंडेक्स 1 2 3 4। ठीक है, अब ये अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, हमें लेना है यूजर इनपुट, और तमाम यूजर इनपुट की पहली वैल्यू है वो इधर स्टोर्ड हो, दूसरी इधर स्टोर्ड हो, तीसरी, चौथी और पांचवी, और फिर इन तमाम इंडेक्सेस से वैल्यू उठा के हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर भी शो कराना हो, वो हम किस तरीके से करेंगे। हम ये कर रहे होंगे यूजिंग वाइल लूप, जो हमने लास्ट लैब में वाइल लूप डिस्कस किया था उसी को यूज़ करते हुए करेंगे। और साथ में क्या चीज़ करेंगे, चूँकि हमें साइज देना है 5, ठीक है, 5 इसका साइज देना है, 5 वैल्यूज लेनी है, 5 से ज़्यादा ना ले अगर ये कंडीशन रखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से अनइनिशियलाइज्ड एक एरे बना देना होगा यूजिंग DUP ऑपरेटर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं एरे के नाम से हमने, या एरे 1 के नाम से हमने एक एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है, क्या टाइप है इसकी, बाइट टाइप का है, और या 10 कर लें, 50 चले, हम 50 इनिशियलाइज इसमें वैल्यू कर देते हैं, 50 से ज़्यादा का साइज़ का ना हो, और इसको हम 0 से अनइनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, एरे 1 बाइट टाइप का है, 50 इसके अंदर वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी, 0 होंगी। ठीक है, हम कह देते हैं मैसेज 1 बाइट टाइप का, और यूजर से हमने चूंकि इनपुट लेना है तो हम कह देते हैं इंटर 5 वैल्यूज। ठीक है, 0DH, 0AH, 0। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट कोड दे दिया। अच्छा, इन प्रोसीजर में आ जाते हैं, चूंकि हमें तब 5 वैल्यूज जो है यूज़र से इनपुट लेनी है और उनको क्या करना है, अपने एरे के अंदर स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर होंगे मूव EDX, ऑफसेट, पहले तो ये मैसेज जो है हमारे पास इंटर 5 वैल्यूज, इसको हम प्रिंट करा देते हैं, कैसे, मूव EDX, ऑफसेट मैसेज 1। ठीक है, और कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है भाई, इसके बाद क्या होगा, मूव ECX, 0, हमने चलाना है क्योंकि वाइल लूप, यहाँ से तो हमने कहा भाई ये राइट स्ट्रिंग, और ये क्या हो गया भाई एंटर 5 वैल्यूज, ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर लिखा गया। अब वैल्यूज लेनी है तो हम वाइल लूप के थ्रू लेंगे, हम इसको 0 से चलाएंगे, मूव ECX, 0, और वाइल की क्या कंडीशन है, वाइल डॉट वाइल ECX is less than 5।
कंडीशन, यानी कि ECX पहले जीरो है, जब तक फाइव ना हो जाए तब तक ये आपने वाइल लूप चलाना और यूज़र से इनपुट लेना, ठीक है। और कॉल, जैसे हमने डिस्कस किया था राइट डेसिमल करते हैं, राइट रीड डेसिमल करते हैं, इसी तरीके से हम या राइट इंटीजर करते हैं यूज़र आउटपुट स्क्रीन पे कराने के लिए और यूज़र से इनपुट लेने के लिए रीड इंटीजर या रीड डेसिमल। तो हम यहाँ कर देंगे रीड डेसिमल, ठीक है, कॉल रीड डेसिमल। जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ होगी हमारे पास, EAX रजिस्टर के अंदर या फिर AX के अंदर या AH के अंदर या AL के अंदर, ठीक है। तो वो हम वैल्यू को स्टोर करा देंगे कहाँ पर, एरे के जीरो इंडेक्स पे, यानी कि मूव एरे वन ECX कॉमा ये लाइन। किस किस को समझ आ गई है और किस किस को समझ नहीं आई है, मुझे ये क्या क्या हुआ यहाँ पर इस लाइन में, जरा एक्सप्लेन करें। सर AL वो यूजर से इनपुट जो है हम लोग किस में स्टोर करवाएंगे, एरे के EAX इंडेक्स पे। EAX कैसे चलेगा, जैसे सबसे पहले हमने इसको जीरो इनिशियलाइज करवाया है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो जीरो इंडेक्स पे जाके रख देगा, फिर जब तक बिल्कुल सही फोर तक चलेगा, बिल्कुल। तो एरे का जहाँ पर इंडेक्स डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या देते हैं, इंडेक्स की वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर अगर हम जीरो दे दें तो ये सिर्फ जीरो के ऊपर ही अपडेट करता रहेगा, वन दे दें तो एरे के पहले इंडेक्स, इसलिए हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं ECX, ताकि ECX हर दफ़ा इंक्रीमेंट होगा, हर दफ़ा इंक्रीमेंट होने पर अभी जीरो है तो जीरो इंडेक्स के ऊपर एरे के चली जाएगी वैल्यू, फिर फर्स्ट, फिर वन इंडेक्स पे, फिर टू इंडेक्स पे। अच्छा, यहाँ AL का हमने इस्तेमाल क्यों किया, AL रजिस्टर का, ये कोई बता सकता है? हम तो जब यूजर इनपुट लेते हैं, हमारे पास 16 बिट का होता है ना, AL हमारे पास 16 बिट का होता है, अच्छा वेरी गुड, 8 बिट का होता है। ये हमने इसलिए यहाँ पर AL का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर हम बाइट टाइप का एरे क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हर एरे का इंडेक्स हमारे पास, यानी कि फर्स्ट या 50 या तो 50 बाइट्स क्रिएट हो, बाइट यानी कि 8 बिट की एक एक हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक वैल्यू को हमें यहाँ पर स्टोर कराने के लिए जो हमारे पास किससे आ रही है, एरे हमारे पास है किस टाइप का, बाइट, तो एक इंडेक्स में 8 बिट ही आ सकता है, तो 8 बिट के लिए हमने AL रजिस्टर का इस्तेमाल किया, ठीक है। यानी यूज़र का जो इनपुट आएगा, यहाँ हम EAX भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो एकोमुलेटर में आएगी, लेकिन EAX के भी कौन से EAX के भी ये हमने क्या डिस्कस किया था, लोअर इंडेक्सेस, लोअर एड्रेसेस के ऊपर आती है, ऐसा ही है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी आएगी वो EAX रजिस्टर में ही। यहाँ पर अगर हम देखें, हाँ AL जो है वो सबसे लोअर हमारे पास एड्रेस होता है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी EAX में ही आएगी, लेकिन वो लोअर एड्रेसेस के ऊपर आती है। तो सबसे लोअर और सबसे छोटा एड्रेस हमारे पास क्या है, 8 बिट का और AL, ठीक है। तो ये हमने यूज़ कर लिया, रीड इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा हाँ ये रीड इंटीजर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये आ गया हमारे पास, AL के अंदर वैल्यू आई और हमने उसको ECX के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करा दिया। अब हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीमेंट ECX, इससे क्या होगा ECX जीरो था अब वन हो गया, और यहाँ पर हम वाइल लूप पॉइंट कर देते हैं डॉट एंड वाई, ठीक है, कॉल CRLF, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो एक यूज़र इनपुट लेगा, लाइन ब्रेक होगी, दूसरा करते कहते, अच्छा ये हर यूज़र इनपुट पे लाइन ब्रेक नहीं होगी, ये तो यूज़र इनपुट्स तमाम ले लेगा। और एक काम कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी हम सिर्फ देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा किस तरह रन कर रहा है।
आ गया इंटर फाइव वैल्यूज, मैंने कहा 5, 6, 7, 3, 4 बस यहाँ पर ये प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। अच्छा ये इसने 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज मुझसे यूजर इनपुट ले लिया। अब ये जाकर कहीं सेव हुई हैं जाहिर है एरे के 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स पे। तो यही वाइल लूप हम चलाएंगे थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन के साथ। इस तरह मैं कहूँगा मूव ECX, 0 जैसे यहाँ पर 0 किया था दोबारा से लूप चलाने के लिए, और यहाँ पर कह दूंगा डॉट वाइल ECX < 5 के ऊपर चलनी है कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आउटपुट, क्योंकि हमने करवाने तो हम कहेंगे मूव। अब इसका उलट हो जाएगा जो यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था AL के अंदर हम जो वैल्यूज थी हमारे पास यूजर इनपुट की उसको हम ECX में स्टोर करा रहे थे। अब हम ECX की वैल्यू AL में स्टोर करा के आउटपुट में देंगे, ठीक है। हम कहेंगे मूव AL, ECX, array 1, ECX सही है। यानी कि इसके जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो AL में मूव कराओ और क्या कर दो कॉल राइट डेसिमल, ठीक है, और कॉल CR, ठीक है, और हर एट्रेशन पे इंक्रीमेंट ECX। अब ECX जीरो था तो इसने जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी वो आउटपुट कराएगा, फिर इंक्रीमेंट 1 इंडेक्स पे थी वो आउटपुट कराएगा, और कब तक चलेगा जब तक ये इंक्रीमेंट होते होते 0 से 5 ना हो जाए, यानी 5 times चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे इसको डॉट एंड वाई, ठीक है। देख लेते हैं कि जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो स्टोर होने के बाद एरे में जा रहा है और एरे से वापस आ रही हैं वैल्यूज या नहीं। कह देते हैं 5, 4, 6, 3, 5 5 वैल्यूज के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास ने ला के दे दी 5, 4, 6, ठीक है। तो ये यूज़र एरे के अंदर यूज़र इनपुट लेने का तरीकेकार है, ठीक है। और ये हमारे पास जो भी एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं जिस भी इंडेक्स पे है उससे आउटपुट लेने का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ तो हमने क्या किया है कि भाई एरे का ECX पे जो भी है, अब आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं भाई मूव EAX, array 1, 5 यानी कि एरे वन का 4 इंडेक्स, यानी एरे वन के 4 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है सिर्फ वो ला के दे दो तो वो भी EX मूव पर आएगा, आप उसको कर दें। ये तो हमने वाइल लूप की मदद से किया, आप चाहें तो किसी और तरीके से भी एक एक वैल्यू को भी आप आउटपुट स्क्रीन पे शो करा सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम्पल अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप लोग लैब टास्क भी कर लेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपने ये 5 यूज़र से वैल्यूज इनपुट लेनी है, ठीक है, और पांचों का सम परफॉर्म करना है, यानी कि 5 वैल्यूज हैं सपोज 5, 4, 3, 2, 1 यूज़र ने दे दिया, अब 5, 4, 3, 2, 1 का एडिशन परफॉर्म हो एरे के अंदर और एक वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू हमारे पास आउटपुट आएगी कि ये इन तमाम वैल्यूज़ का सम है, तो वो आप परफॉर्म कर लेंगे। कैसे होगा कोई बता सकता है या इसी अगर मेरे पास सपोज ये यूज़र ने इनपुट दी है वैल्यूज एरे, हमने एरे का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना कि एरे है, जब इस एरे के अंदर यहाँ पर मैंने वैल्यू दी 5, 4, 6, 4, 3 ये 5 वैल्यूज दे दी, ठीक है, 5 वैल्यूज, इन तमाम वैल्यूज का सम क्या होगा 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 3 20, 22 आउटपुट आ जाए। तो ऐसा प्रोग्राम हम लिखें कि जिससे ये एरे के अंदर 5 या 10 या जितनी भी वैल्यूज ले और उन तमाम वैल्यूज का सम दे दे, वो किस तरह होगा इस इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग होगी सर, लूप लगेगा, लूप एज इट इज चलेगा, सिर्फ ये होगा कि एक रजिस्टर हम लोग ले लेंगे और उसी में ही इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे कि एड रजिस्टर ई, जैसे फॉर एग्जाम्पल EAX है तो एड EAX कॉमा और वो एरे वन ECX। सही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम यहाँ पर ही सपोज क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे इस ये लूप से तो हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक है, इस वाले लूप से, इसके अंदर हम सिर्फ थोड़ी सी चेंज कर देंगे, मूव की बजाय हम ऐड का इस्तेमाल कर देंगे। हम कह देंगे ऐड AL एरे का ECX इंडेक्स, ठीक है, और सिर्फ ये ऐड करते रहो और
राइट नहीं करो एट द एंड। अच्छा यहाँ पर से लाइन ब्रेक भी खत्म कर दो, सिर्फ ऐड करते जाओ हर एड्रेशन पे, और एट द एंड आप क्या करो यहाँ पर प्रिंट करवा दो कॉल राइट डेसिमल, ठीक है, सिर्फ इतनी सी चेंजिंग कर। तो हमारे पास ये अगर आप देखें तो यूज़र ने सपोज दे दिया है भाई 9 8 7 6 5, तो इसका इसने एडिशन कर दिया 40, 9 + 8 17, 17 + 7 हमारे पास आ जाता है 24, और ये आ गया नहीं ये गड़बड़ कर रहा है 9 17, और ये आ गया 24 ही होता सर, सिक्स हो गया हमारे पास 30, ये तो 35 देना चाहिए इसको। अच्छा ये यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा है, EX0 ठीक है, EX0 है, 5 times चल रहा है, फर्स्ट टाइम में भी ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको ऐड करवा रहा है। अच्छा सही है, यहाँ पे क्या कर देंगे सर, अगर आप TL में 0 मूव करवा देंगे तो एरर खत्म हो जाएगा। ये देख बेसिकली ये क्या कर रहा था, इस EAX यानी कि मैं अच्छा EAX को 0 करूं या मैं AL को 0 करूं बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही रजिस्टर के चंक्स होते हैं। EAX का एक चंक जो है वो AL है, एक चंक जो है वो AH है, ठीक है, वो है EAX है। तो मैं यहाँ पर EAX को या फिर AL, यहाँ पर AL यूज़ हो रहा है ना, तो ये फर्स्ट टाइम में भी एडिशन करा रहा है, फर्स्ट टाइम AL के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होगी जिसके अंदर इसने ऐड करा दिया, आई थिंक जिस 5 के अंदर इसने ऐड करवा दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ AL को पहले एम्प्टी कर लिया या फिर EAX को एम्प्टी कर लिया, और ये अब आप देखेंगे तो ये सही परफॉर्म करेगा। इसने 15 बता दिया, ठीक है, 5 4 3 2 1 का एडिशन। तो बेसिकली ये एग्जांपल जो मैंने आपको सॉल्व कराई, ये आपका टास्क नंबर 1 तो यहीं पर सॉल्व हो गया कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग DUP ऑपरेटर विद डीवर डेटा टाइप इन विच यूजर एंटर्स 10 वैल्यूज एंड प्रिंट आउट द सम। तो ये टास्क तो हो गया, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, जो दो टास्क हैं ये खुद से करने हैं, आपकी जो लैब मैनुअल है जो आप सबमिट करेंगे उसमें तो आपके तीनों टास्क आने चाहिए, जो अभी हमने एक परफॉर्म किया ये भी, और ये दो टास्क और भी, टू एंड थ्री, फोर्थ को आप रहने दें, ठीक है। टू एंड थ्री में क्या कहा गया है, टू में कहा गया है भाई राइट अ प्रोग्राम यूजिंग DUP ऑपरेटर विद डीवर डेटा टाइप इन विच यूजर इंटर 5 वैल्यूज एंड प्रिंट आउट द एवरेज। जैसे यहाँ पर सम परफॉर्म किया है आपने एवरेज करना है, एवरेज क्या होता है, yes, अगर 3 वैल्यूज हैं तो डिवाइडेड बाई 3, 4 वैल्यूज आई हैं तो डिवाइडेड बाई 4। तो आपने एरे की जो भी लेंथ होगी वो कैलकुलेट करनी है और लेंथ से उसको डिवाइड कर देना है, ईजी हो जाएगा, ठीक है। टास्क 3 क्या है, ये सारा तो मैंने आप लोगों को हिंट दे ही दिया, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज रीड एन नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन एरे एंड डिस्प्ले रिवर्स। यानी कि अब आपने इस लूप को ही उल्टा चलाना है, जो भी वो वैल्यूज दे जैसे 5 4 3 2 1 दे तो आपने उसकी आउटपुट 1 2 3 4 5 दे देना, ठीक है। ओके सर, ये इजी टास्क है। तो अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये तो हेल्प कर दी कि टास्क 1 तो करा दी, चाहे तो आप लोग अभी ये टास्क 2 और 3 है हाथों हाथ अभी भी कर सकते हैं और अभी करके सबमिट करते हैं, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये तो आई होप जिसने ये टास्क परफॉर्म कर लिया है, अगर अभी मैंने ये करवा दिया इसी में चेंजिंग करेंगे एवरेज हो जाएगा, उसी लूप को आप रिवर्स करने के लिए लेंथ से चला दें उसको, ठीक है, उल्टा डिक्रीमेंट पे, तो आपका ये टास्क भी हो जाएगा। बस ये 3 टास्क आपने सबमिट करने हैं, ठीक है, और इसको आप लोग सबमिट कर दें, ठीक है। ये आप लोगों की लैब मैंने अपलोड कर दिया, लैब नंबर 6, और बाकी ये है कि हम आज की लैब को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और फिर आपसे नेक्स्ट आई होप कल आप लोगों की ऑन कैंपस लैब होगी, तो कल फिर हम मिलते हैं, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे हम लैब को एंड करें सर। जी सर, सर क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यूज यूजर इनपुट देना जरूरी है या फिर हार्ड कोडेड दे सकते हैं? एन नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, इसमें लेना तो आपने यूजर इनपुट ही है,
लेकिन आप वैल्यूज जरूरी नहीं है कि एन नंबर हो, आप उसमें डिफाइन कर देंगे भाई एरे का साइज 5 है या 10 है, ठीक है, या 15 है, तो आप डिफाइन कर दें, लेकिन लेनी आपने इसमें यूजर इनपुट ही। ठीक है, बाकी अब आपसे कल मिलते हैं, कल ऑन कैंपस लैब के अंदर, और यहाँ पर लैब को हम एंड करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।